हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? डायलॉग नहीं, आजकल पब्लिक के पास टाइम नहीं है। जोली जोली सॉरी का दिल तुम पे आया जोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली। भारत में हर शुक्रवार को फिल्मों का त्योहार लगता है, यानी सिनेमाघरों में फिल्में रिलीज होती हैं और बॉक्स ऑफिस इन फिल्मों को परखता है, जिनमें कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस की परीक्षा में पास होती हैं तो कुछ फेल होती हैं, वहीं कुछ ऐसी भी होती हैं जो बेमिसाल सफलता के साथ टॉपर बनकर उभरती हैं। हालांकि आज की OTT और मल्टीप्लेक्स सिनेमा के दौर में सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखने का क्रेज कुछ कम सा हो गया है, वरना एक दौर ऐसा था जब फिल्में सिर्फ टाकीज में रिलीज होती थी और अपने फेवरेट हीरो या हीरोइन की फिल्म देखने के लिए फैंस टिकट खिड़की पर टूट पड़ते थे, और कई बार तो ऐसा भी होता था कि लाइन में खड़े लोग जब टिकट खिड़की तक पहुंचते थे तब तक सभी टिकटें बिक जाती थी और सिनेमाघर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया जाता था। हालांकि एक बात यह भी है कि उस दौर में टिकटें भी खूब ब्लैक होती थी। ऐसे 80 के दशक में एक ऐसी रिलीज हुई फिल्म थी जीते एहसान से, जो कई दिनों तक हाउसफुल रही थी। खासतौर पर मुंबई से फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी। अबे टपोरे शान पत्ती मत कर, रात का टाइम है, इतनी मार मारूंगा कि एम्बुलेंस भी नहीं आ पाएगा। बता दे 15 अप्रैल 1988 को रिलीज जबरदस्त एक्शन रोमांस ड्रामा से भरी फिल्म जीते एहसान से में मिथुन चक्रवर्ती संजय दत्त और गोविंदा की तिकड़ी थी, वहीं मंदाकिनी विजेता पंडित जैसी हीरोइनों के साथ डैनी जैसे दमदार विलन की भी मौजूदगी थी, इसलिए फिल्म मुंबई के कई सिनेमाघरों में लगभग 2 हफ्तों तक हाउसफुल भी रही। लेकिन बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने में ही सफल हो सकी। जीते एहसान से काम बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जिसमें पहली बार मिथुन चक्रवर्ती संजय दत्त और गोविंदा की तिकड़ी नजर आई थी। संजय दत्त गोविंदा की जोड़ी तो इसके बाद काफी फेमस भी हुई थी और दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में भी दी। वहीं मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त की जोड़ी हमें इसके बाद 1989 में आई इलाका और लास्ट बार 2009 में आई फिल्म लक में भी नजर आई। इसके अलावा 2024 के बाद आगे आने वाले टाइम में भी कई और फिल्मों में दोनों साथ नजर आने वाले हैं, जबकि वहीं मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा का जीते एहसान से फिल्म में फुल टाइम पहला और लास्ट शो रह गया। वैसे इसके बाद 1996 में आई अपने दम पर और 97 में आई फिल्म लोहा में, जहां गोविंदा ने स्पेशल अपीयरेंस दी, वहीं 94 में आई रखवाला और 2007 में आई शाहरुख खान की ओम शांति ओम में तो ये दोनों स्टार स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए। लेकिन फिर भी जीते एहसान से के बाद इन दोनों स्टार ने कभी स्क्रीन शेयर नहीं की। इसके अलावा एक और दिलचस्प जानकारी ये भी दे दें कि गोविंदा जब 1986 में इंडस्ट्री में नए नए आए थे तब मिथुन दा बड़े स्टार थे और बॉलीवुड के नंबर वन डांसर थे, इसलिए गोविंदा को छोड़कर इस दौर में मिथुन दा को डांस में टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। जावेद जाफरी जरूर थे लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी ना के बराबर थी। लेकिन वहीं गोविंदा बतौर में हीरो हिट फिल्में दे रहे थे और अपनी जबरदस्त डांसिंग स्किल से उन्होंने मिथुन दा का सिंहासन भी ला डाला था। अब गोविंदा ने न केवल मिथुन दा को डांस में टक्कर दी बल्कि एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में करने के मामले में भी खूब टक्कर दी, क्योंकि अगर 1988 के साल की अगर बात करें तो इस साल इन दोनों स्टार की कुल मिलाकर छोटी बड़ी 10 फिल्में रिलीज हुई थी, इसलिए उस दौर के मीडिया में अक्सर ये गोविंदा का मिथुन दा से कंपैरिजन होता रहता था। अब बड़ा हीरो अक्सर ये जूनियर स्टार को दबाने की कोशिश करता है, इसलिए जीते एहसान से फिल्म के सबसे बड़े स्टार मिथुन दा थे, वहीं संजय दत्त नंबर 2 थे। लेकिन बजाय इन दोनों स्टार के गोविंदा ने पक्षपात करने का आरोप लगाया डायरेक्टर कवल शर्मा पर। गोविंदा ने मीडिया में दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि डायरेक्टर कवल शर्मा की वजह से जीते एहसान से फिल्म में उनका किरदार मिथुन दा और संजय दत्त के मुकाबले काफ़ी दबा और कमज़ोर सा रह गया, और यहाँ तक कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स से पहले उनकी मौत भी हो जाती है, जो कि किसी फिल्म में उनके किरदार के साथ पहली बार हुआ था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डायरेक्टर कवल शर्मा ने कई बार फिल्म की कहानी में बदलाव किए थे। अब गोविंदा के लगाए इन सभी आरोपों पर डायरेक्टर कवल शर्मा ने अपनी सफाई देते हुए बताया कि उन्हें एक होटल में देखकर खुद गोविंदा उनके पास काम मांगने आए थे और जीते एहसान से फिल्म में काम करने की गुजारिश की थी, और रही बात रोल की तो उन्हें जो रोल सुनाया गया था उससे ज्यादा ही उन्हें स्क्रीन स्पेस दिया, क्योंकि शुरुआत में तो गोविंदा का कोई सोलो गीत भी नहीं था। उन्होंने रिक्वेस्ट की तो अच्छे डांसिंग स्किल को देखते हुए उनकी ये डिमांड पूरी कर दी और उन्हें मोहम्मद अजीज के गाए अल्लाह गीत पर परफॉर्म करने का मौका दे दिया। खैर अब बात चाहे जिसकी भी सच हो,
लेकिन एक ये बात सच है कि जीते इंसान से फिल्म में गोविंदा के अपोजिट कोई हीरोइन नहीं थी, वरना वही दूसरी और मिथुंदा के अपोजिट मंदाकिनी और संजय दत्त के अपोजिट विजेता पंडित थी। हालांकि अगर खबरों की माने तो डायरेक्टर कवल शर्मा ने शुरुआत में जो कहानी डिसाइड की थी उसके अकॉर्डिंग गोविंदा के अपोजिट हीरोइन का रोल था, और कवल शर्मा ने तब रोशनी को गोविंदा की हीरोइन के तौर पर साइन भी कर लिया था। लेकिन जब कहानी में बदलाव हुआ तो गोविंदा के अपोजिट कोई हीरोइन नहीं थी, इसलिए रोशनी को साइन होने के बाद इस बड़ी फिल्म से हाथ धोना पड़ा। लेजेंडरी डायरेक्टर मनमोहन देसाई के बतौर असिस्टेंट करियर शुरू करने वाले कवल शर्मा की बतौर डायरेक्टर जीते इंसान से डेब्यू फिल्म थी, इसलिए इस फिल्म में हमें मनमोहन देसाई की 1977 में अमर अकबर एंथनी और 86 में अल्लाह रखा जैसी फिल्मों की झलक देखने को मिलती है, और कहानी व किरदार भी कुछ इन्हीं फिल्मों से इंस्पायर्ड लगते हैं, क्योंकि अमर अकबर एंथनी फिल्म की तरह इस फिल्म में तीन एक्टर थे और तीनों अलग अलग धर्मों से थे, जिनमें मिथुन चक्रवर्ती क्रिश्चियन धर्म से, संजय दत्त हिंदू धर्म से व गोविंदा मुस्लिम धर्म से थे। वहीं डैनी का रोल भी कुछ वैसा ही था जैसा अल्लाह रखा फिल्म में अनुपम खेर का था, क्योंकि जिस तरह अल्लाह रखा फिल्म में अनुपम खेर जैकी श्राफ को पैसे देकर खरीदने की कोशिश करते हैं और अपनी बेटी डिंपल की जिंदगी से दूर जाने को बोलते हैं, ठीक उसी तरह जीते एहसान से फिल्म में डैनी संजय दत्त को पैसों का लालच देकर खरीदने की कोशिश करते हैं और अपनी बेटी विजेता पंडित की जिंदगी से दूर जाने को बोलते हैं। अगर फिर भी यकीन ना आए तो आप खुद इन दोनों फिल्मों के इन सीन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बात में दम है कि नहीं। अब नीचे जाकर पार्टी में जूली से कहो कि तुम उससे नहीं उसकी दौलत से मोहब्बत करते हो। लो तुम भी अपना दिल बदल लो और मेरी बेटी का ख्याल अपने दिल से ऐसे निकाल दो। डायरेक्टर कवल शर्मा को लेकर बताया जाता है कि वे अनाथ हैं, ऐसे में उन्होंने जिस हीरोइन रोशनी को साइन करने के बाद फिल्म से बाहर निकाला उसी पर उनका दिल आ गया, और जीते इंसान से फिल्म की मेकिंग के दौरान ही दोनों ने शादी कर ली। अब जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कवल शर्मा नाथ थे, सो इसलिए मिथुन चक्रवर्ती ने कवल शर्मा का पिता बनकर शादी की रस्मों को निभाया था, और फिर इसी मेहरबानी का नतीजा था जो कवल ने इसके बाद मिथुंदा के साथ सबसे ज्यादा फिल्में बनाई। कवल ने मिथुंदा को लेकर इसके बाद 1988 में इमर मिटेंगे, 90 में गुनाहों का देवता, पाप की कमाई और 1999 में हीरा पन्ना जैसी फिल्में बनाई। लेकिन जीते एहसान से और मर मिटेंगे के अलावा कवल शर्मा की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, और ना ही इस बीच कवल शर्मा और रोशनी की शादी लंबी चल पाई, क्योंकि शादी के दो साल बाद 1990 में बेटी का जन्म होने के बाद दोनों का तलाक हो गया। जानी एक बार जीना छोड़ सकता है पीना नहीं। अब रोशनी के बारे में अगर कोई नहीं जानता तो बता देगी 1984 में आई पॉपुलर मल्टी स्टारर फिल्म जीने नहीं दूंगा में विराज बब्बर के अपोजिट थी। इसके अलावा रोशनी बीआर चोपड़ा की 1984 में ही आई आज की आवाज़, 87 में आई डाकू हसीना और 88 में आई दरिया दिल में भी नजर आई थी, जिसके बाद फिर कवल शर्मा से शादी कर उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली थी। लेकिन इसके बाद जब पति कवल शर्मा से उनका झगड़ा हो गया तो उन्होंने भटकैंप की 1992 में आई फिल्म जन्म से कमबैक किया, और फिर 96 में आई दरार फिल्म के बाद कई और फिल्मों में भी नजर आई, लेकिन छोटे मोटे रोल होने से उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया गया और रोल मिलने बंद हो गए। जबकि वहीं दूसरी और उनके पति कवल शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लगातार फिल्में फ्लॉप होने से उनकी भी कई फिल्में ठंडे बस्ते में चली गई, और 1999 में आई हीरा पन्ना फिल्म के 13 सालों बाद 2012 में आई दिल्ली आई फिल्म से उन्होंने कमबैक भी किया। लेकिन जब ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई तो कवल शर्मा फिर दोबारा इंडस्ट्री से गायब हो गए। कई बार ऐसा होता है कि किसी फिल्म में फाइट सीन फिल्माने के दौरान या तो किसी को चोट लग जाती है या फिर कभी कभार किसी की मौत भी हो जाती है। ऐसे में गुजरे जमाने के खलनायक रे प्रेमनाथ के बेटे मोंटी नाथ जीते एहसान से फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा के साथ एक लंबा फाइट सीन होने से खुद को अनकम्फर्ट महसूस करने लगे थे। फिल्म जीते एहसान से में संगीत दिया हनु मलिक ने, वहीं गीत लिखने का काम किया है इंदिवर व शैली शैलेंद्र ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 6 गीत रखे गए हैं ऑडियो एल्बम में। बता दे फिल्म जीते एहसान से के सभी गीतों में हनु मलिक और कविता कृष्णमूर्ति का गाया जूली जूली सबसे ज्यादा पसंद आया था। वैसे शब्बीर कुमार का गाया गोविंदा गोविंदा और हनु मलिक का ही गाया एक और गीत सलाम सेठ जिसे शैली शैलेंद्र ने लिखा था, ये गीत भी अच्छे हैं। लेकिन जूली जूली की बात ही अलग है, क्योंकि उस टाइम की तो छोड़ी ये गीत आज भी इतना पॉपुलर है कि शादी ब्याह में डीजे पर लोग अक्सर इसी पर नाचना पसंद करते हैं।
इस लिहाज से जबरदस्त सुपर डुपर हिट गीत और इस गीत की बदौलत ही जीते एहसान से फिल्म फेमस है और लोग इसे जानते हैं। हमको टोनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता, तो कौन मांगता? वाह बिड़ूआ, जॉनी का डायलॉग जॉनी को चिपका दिया बाप। तूने ही मुझे इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से अब सिर्फ गोविंदा की लाश हटेगी। फाइनली जीते एहसान से फिल्म की कहानी में इतना कोई ज्यादा नयापन नहीं है, वही घिसे पीटे लॉस्ट एंड फाउंड के प्लॉट पर यह आधारित है। लेकिन फिल्म की मेन हाईलाइट है इसकी कास्ट, जहरी एक्शन और जुली जुली गीत। बस ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और वे टिकट खरीद कर सिनेमाघर में फिल्म देखने को मजबूर हुए। सो जीते एहसान से फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।